देखिए कच्चा नारियल है, कच्चे नारियल को मैंने निकाल लिया, उसको तोड़ के रखा हुआ। मैं इसका देखिए क्या डिश बनाती हूँ, तो मैं कच्चे नारियल का केक बनाऊँगी। ये देखिए, और छील के ये रखा हुआ मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं और उसका पानी निकाल दिया है। तो ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं ये नारियल के मैंने, और अभी इसके छिलके पूरे सारे करके एक एक करके पूरा छुरा छिलका हटा दिया है, और उन छिलकों का भी यूज़ है। तो ये तो मेरा देख लीजिए, सारा देख लीजिए, मैंने सब छिलके हटा दिए हैं, और ये सारे छिलके हैं जो मैंने छिलके प्लेट में रखे हुए हैं। और इसको फेंकिए मत, इसमें एक लहसुन डाल दीजिए और अदरक डाल दीजिए और हरी मिर्च डाल दीजिए और नींबू का रस निचोड़ दीजिए, इसकी चटनी बहुत बढ़िया बन जाएगी। क्योंकि जब लोग नारियल ऐसे भी तो खाते हैं तो इसको भी खा सकते हैं, तो इससे यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके लिए यहाँ पर इस नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और छोटे टुकड़े करके इसको सारे टुकड़े में कर लिए हैं, उसको ग्राइंड करके मैंने निकाल लिया है। और इधर मैंने कढ़ाई में आधा किलो फुल क्रीम दूध लिया है, और फुल क्रीम दूध को 5 मिनट 7 मिनट तक मैं पकाती रहूँगी इसको, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसमें 1 कप चीनी, क्योंकि मेरा 1 कप ही नारियल है, ये नारियल जो पीसा है ये 1 कप है, और इसके बराबर ही मैंने चीनी डाली है। तो इसमें मैंने 1 कप नारियल में 1 कप चीनी ये डाल दी है, और चीनी डाल के मैं जब तक इसको चलाती रहूँगी जब तक ये चीनी इसमें घुल ना जाए। कोई बहुत गाढ़ा नहीं करना है, लेकिन मैं केवल चीनी को इसमें घोलना है और चलाते रहेंगे। और देखिए ये इसको घोल दिया है मैंने, तो अब ये नारियल चीनी घुल चुकी है, अब ये नारियल इसमें हमने डाल दिया है नारियल, और इसको चलाऊँगी नारियल को। और यहाँ मैंने इलायची पीस के रखी है वो उसमें डाल दी है, और मैंने इसमें कुछ बादाम डाले हैं जो मैंने ऐसे करके छोटे टुकड़े कर लिए हैं, बादाम को क्रश कर दिया है, और उसको भी इसी में डाल देंगे अंदर, और इसको चलाते रहेंगे। अब कम से कम 10-15 मिनट तक इसको हम चलाया है, तब देखिए ये इस तरह से इसका ये बर्फ़ी के तरह इसका गाढ़ा ये हो गया है। चाहे बर्फ़ी जमाइए या केक बनाइए, तो मैंने तो उसको केक बनाया है व्रत में, और कभी भी आपके यहाँ व्रत हो और पूजा के लिए भोग लगाना हो तो ये आप इसको बना सकते हैं। तो ये अब मैं क्या करूँगी, पर मैं तो केक बना रही हूँ ना, तो अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दूँगी, देसी घी, जिससे ये और थोड़ा टेस्टी बन जाता है। पहले मैंने घी नहीं डाला था, लेकिन अब मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, और घी डाल के इसको 2-3 मिनट तक मैं और चलाऊँगी, इससे ज़्यादा और नहीं करूँगी। देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। गैस को ऑफ कर दी और इसको मिक्स कर दिया घी को पूरी तरह से, ये देखिए पूरा मिक्स कर दिया घी इसमें। और इधर मैंने एक केक बनाने वाला ये देखिए हार्ट शेप का लिया है, उसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया, बटर पेपर के ऊपर मैंने घी लगा लिया। बटर पेपर ना हो तो थोड़ी घी लगा के मैदा छिड़क दीजिए, जैसे हम लोग केक बनाते हैं। और इसमें मैंने इसको डाल दिया है, और अब इसको प्लेन थोड़ा सा ऊपर सर्फिस कर दीजिए। तो मेरे पास ये इस तरह का है, तो मैंने इसी से कर रही हूँ, ना हो तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं इसको, कटोरी प्लेन हो पीछे से उससे कर दिए या इससे कर दीजिए। और इसको मैं इस तरह से बराबर करके इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने रख दूँगी। फ्रिज में रखिए या बाहर हवा में ही रख दीजिए, मैं तो बाहर हवा में रख देंगे। और 1 घंटे बाद इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए 1 घंटा हो गया है, और हमारा देखिए कितना बढ़िया ये केक जम गया है, ये देखिए। और अब मैं इसको इसमें से निकालूँगी, तो निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि इसको ऐसे बटर पेपर के साथ ऐसे निकाला है इस तरह से। अब मुझे क्योंकि दूसरी प्लेट में करना है, तो बहुत सॉफ्ट केक है ये, तो मैंने क्या किया है कि इसको एक प्लेट इसके ऊपर रख के दूसरी प्लेट को इस तरह से कर दिया, तो ये इसमें आसानी से टूटता भी नहीं है, और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना हुआ है ये। और मैं भी पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही इसका इसको यूज़ करूँगी। अब जिसका सीधा जिधर था उधर साइड रखने के लिए मैंने फिर से प्लेट का इस्तेमाल किया है। और देखिए इस तरह हम केक भी करते हैं, और इस तरह किस केक को भी किया है, ये देखिए ये कितना बढ़िया बन के तैयार है ये। और इस मेरे पास सिल्वर फॉइल था, सिल्वर जो हम लोग लगाते हैं जो बर्फ़ी वगैरह में लगाया जाता है, तो ये देखिए है, तो ये मैं इस पर लगा दे रही हूँ, नहीं है तो मत लगाइए। तो पर मेरे पास रखा था इसलिए मैंने लगा दिया, इसको यूज़ किया है, इससे बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये देखिए।
और ड्राई फ्रूट्स तो अंदर पड़े हुए हैं। और ये देखिए कैसा बना है बताइएगा, और पसंद आए तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये कैसा बना है। और मैं इसको काट के भी आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है, देखिए हार्ड नहीं है ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल जैसे इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं आप, पर मैंने इसको केक बनाया हुआ है। तो इसके में थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, तो इसको मैंने डेकोरेट थोड़ा सा कर दिया। बाकी तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि भोग लगाऊंगी तो कुछ और आप नहीं लगाऊंगी, लेकिन आपको कुछ लगाना तो लगा सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, इससे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुँच जाए। बना के जरूर एक बार देखिएगा कि ये कैसा आपको लगा है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।